इस मंदिर में आते ही इंसान बन जाते हैं पत्थर। दोस्तों, दुनिया में ऐसे बहुत से मंदिर हैं जिनकी अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ मंदिर झाड़ फूंक के लिए जाने जाते हैं तो कुछ शक्तियों के लिए प्रचलित हैं। आज मैं आपको बताऊंगी राजस्थान के एक ऐसे मंदिर के बारे में जिसके बारे में जानने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। राजस्थान से 39 किलोमीटर दूर बाड़मेर शहर है और इस शहर के अंदर हाथमा नाम का एक गाँव है और इस गाँव के बारे में बताया जाता है यहाँ एक ऐसा मंदिर है जहाँ अगर रात के वक्त इंसान गलती से भी कदम रख देता है तो हमेशा के लिए पत्थर बन जाता है। मंदिर में होने वाले चमत्कारों के बारे में कई बार सुना होगा, लेकिन ऐसा चमत्कार के बारे में शायद ही पहली बार सुन रहे होंगे। आइए तो मैं आपको बताती हूँ कि इस मंदिर का सच क्या है। राजस्थान एक राज्य है जहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत है, लेकिन यहाँ से 39 किलोमीटर दूर बाड़मेर शहर है और इस शहर के अंदर हाथमा गाँव है जहाँ किरणू मंदिर स्थापित है। बताया जाता है अगर रात के वक्त इस मंदिर के अंदर कोई गलती से भी कदम रख देता है तो वह इंसान पत्थर की मूर्ति में बदल जाता है और इस मंदिर को राजस्थान का खजाना भी कहा जाता है। वैसे तो इस मंदिर में दिन रात श्रद्धालु हमेशा रहते हैं और वहां भक्तों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन इस मंदिर में ऐसा क्या है जो रात के वक्त इस मंदिर में कदम रखते ही व्यक्ति पत्थर बन जाते हैं। हाथमा गाँव के लोगों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि यह मंदिर शुरू से ही स्थापित है और रात के वक्त इस मंदिर में जाने से इंसान पत्थर बन जाते हैं। और गाँव वालों ने कहा कि वैसे तो हमें ज्यादा जानकारी नहीं है और कहा हमारे पूर्वजों ने बताया था कि इस मंदिर को एक बाबा ने श्राप दे दिया था और तब से ही रात में इस मंदिर में जाने से लोग डरते हैं। मंदिर में बहुत सी मूर्तियां थीं जो बिल्कुल मनुष्य जैसी लग रही थीं। एक अधिकारी ने बताया कि बात 900 साल पहले की है और उस वक्त यहां परमारु का शासक था। तब उस वक्त एक श्रद्धालु संत ने डेरा डाला था। उन्होंने बताया कि वह कुछ समय के लिए यहां से भ्रमण करने के लिए निकले थे, लेकिन जाते वक्त उन्होंने अपने साथियों को वहाँ के स्थानीय लोगों के भरोसे छोड़ दिया था कि आप लोग इनकी भोजन पानी का इंतजाम कर देना और इनकी सुरक्षा करना। संत के जाने के बाद उनके शिष्यों की स्वास्थ्य अचानक से बिगड़ गया और एक कुमारन को छोड़कर अन्य किसी भी व्यक्ति ने उसकी सहायता नहीं की। बहुत दिनों के बाद जब संत लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके सभी शिष्य भूख से तड़प रहे थे और उनकी स्थिति काफी खराब थी। यह सब देखकर संत को बहुत क्रोध आया और संत ने कहा, जिस स्थान पर साधुओं के प्रति प्रेम भाव नहीं है तो यहाँ अन्य साथियों का दया भाव क्या होगा। और उन्होंने श्राप दे दिया कि जो यहाँ जैसा है वह शाम होते ही पत्थर का बन जाएगा। उन्होंने संपूर्ण नगर वासियों को पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया और तब से यह मंदिर श्रापित कहलाता है। और यह बात भी बिल्कुल सत्य है कि यहाँ रात के वक्त कोई भी नहीं जाता। ये थी SM न्यूज रिपोर्ट।